तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया पटना जंक्शन। ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे आने के बाद जो फील आती है ना दोस्तों, शेयर नहीं कर सकता। और पटना जंक्शन में पहुंचने के बाद जो हनुमान मंदिर का दृश्य आता है भाई, अनबिलीवेबल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से आप सभी का एक कमेंट आ रहा था कि गया से पटना का ट्रेन चढ़ने का एक ब्लॉग बनाने के लिए, कम्प्लीट ब्लॉग गया टू पटना। सो आज वो दिन आ ही गया है फाइनली। आज हम गया से, आप सामने देख सकते हो कि मेमो पैसेंजर लगा हुआ है यहाँ पे, और पटना जाने वाले हैं और कंप्लीट ब्लॉग जो है आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में, एंड गुड मॉर्निंग। सो हम गया से ट्रेन पकड़ रहे हैं 4:45 वाला, मतलब सुबह का 4:45 में खुलती है यहाँ से, और चलते हैं फिर और आपको पूरा कम्प्लीट ब्लॉग शेयर करते हैं। ओके, फिर बने रहो आप लोग हमारे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ट्रेन गया जंक्शन से निकल गई, और भाई काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था यार कि गया से पटना तक का एक ब्लॉग, ये लो भाई आपके डिमांड आज पूरी हुई। और चले हम बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में, और इसलिए गया से पटना हमारी जर्नी शुरू हो रही है। अभी मॉर्निंग का 4:45 हो रहा है और फर्स्ट ट्रेन से ही हम लोग निकले हैं भाई। ये देखो लिफ्ट, इस गाड़ी में सभी एसी डब्बा, आगे इंजन प्योर है और सभी। फाइनली फ्रेंड्स, हर बार की बात है, इस बार भी हमारी ट्रेन खुलने के बाद फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म पे रुक जाती है फॉर 10 और 15 सेकंड्स। सो ये देखो, अभी खुली थी बट थोड़ा सा आगे बढ़ा के वो फिर से रोक दिया। ये देखो वापस से फिर से खुल गई, मतलब 10 सेकंड के लिए रोकती है यार, पता नहीं क्यों, क्योंकि हर बार हमने देखा है। और ये देखो हमारा दिल और जान, दिल और जान गया जंक्शन और गया जी। भाई ये देखो फुट ओवर ब्रिज नंबर 1। भाई काफ़ी दौड़ना पड़ा यार, मतलब पूछो मत। 5:40 में तो हम घर पे थे, 5 मिनट में भाई स्टेशन पहुँचे हैं। ये देखो भाई, चलते ट्रेन में चढ़ेंगे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। ओ भाई, सो भाई ये आप देख सकते हो, हम लोग पहले स्टॉपेज पे पहुँचने वाले हैं। ये आप चाकन गुमटी देख सकते हो यहाँ पे, ये गया को ही जाती है, गया पटना मेन रोड है, और यहीं पे जस्ट थोड़ा सा आगे जो है चाकन स्टेशन है। भाई आप पटना जाओ और ईंट की भट्टी ना देखो, ये नहीं हो सकता। आप सामने देख सकते हो ईंट की भट्टी, और मतलब कंटिन्यूसली आपको दिखते हैं बहुत सारे। सो ये देखो फाइनली चाकन जो है, मतलब हमारा पहला स्टॉपेज गया था। कोई भी ट्रेन जाएगी, कोई भी ट्रेन, इट मीन पैसेंजर, सो वो चाकन ज़रूर रुकेगी, यानी कि पहले स्टॉपेज पर। सो अपने दूसरे स्टॉपेज के लिए तैयार हमारी ट्रेन, और चाकन से खुल गई, और अब ये सीधे 2 हॉल्ट के बाद में बेला में रुकेगी। हालांकि इसके बाद के कोई पैसेंजर से जाते सो आपको 2 हॉल्ट पे भी रुकने को मिलता। ये देखो भाई फुट ओवर ब्रिज। सो लो भाई अपने दूसरे स्टॉपेज की तरफ बढ़ चले, और अभी हमारा स्टॉपेज आने वाला है बेला। तो गया से खुलने के बाद पहले चाकन में रुकी और वापस से अब बेला में रुकने वाले हैं। अब भाई पूरी तरीके से सूर्योदय हो चुका, पूरी तरीके से नहीं बट हाँ लालिमा आ चुका है। और ये देखो भाई हम लोग बेला स्टेशन की एंटर करने वाले हैं। भाई ये देखो सूर्योदय, और भगवान भास्कर कितने ही क्यूट से लग रहे हैं यार, और 12 बजे के बाद तो लगता है एंग्री मैन हो जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ही मजाक हो गया लगता है। ये देखो फाइनली हमारी ट्रेन मखदुमपुर पहुँच गई है, मखदुमपुर स्टेशन, मखदुमपुर गया, मखदुमपुर में गया लगता है भाई। ये देखो भाई भगवान भास्कर को देखो यार, सच में क्यूट से रेडिस इन कलर, लाजवाब लग रहे हैं। और 10-11 बजे के बाद तो भाई हालत ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ये देखो भाई मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है स्टेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए मखदुमपुर, और यहां से करीब 2 घंटा और लग जाएगा, 2.5 घंटा लगता है टोटल। सो मखदुमपुर पहुंच गया यार, 2 घंटा या फिर 2.25 घंटा यहाँ से लगने वाला है।
एक मिनट का स्टॉपेज होता है यहाँ पे भी, एक मिनट से कम ही। ये देखो हमारी ट्रेन खुल भी गई। ये देखो भाई, गया पटना 4 लेन हाईवे। और कुछ दिन पहले मैं उससे ही आप लोग को अपडेट दे रहा था इस हाईवे का, 4 लेन हाईवे का। और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ टेटा। ये देखो भाई, काम अप्रॉक्स यार कंप्लीट हो रहा है भाई। जहाँ जहाँ ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं ना, वहाँ पे रुके हुए हैं। और फाइनली हम लोग टेटा पहुँच गए भाई। टेटा में तो भीड़ है यार, और जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है भाई, भीड़ बढ़ते जा रही है। ये देखो भाई, तो फ्रेंड हम लोग जहानाबाद पहुंच गए। ये देखो भाई, जहानाबाद का प्लेटफॉर्म। अभी शायद यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ओ भाई, जो वेंडर चढ़ते हैं उन लोग भी प्रणाम करते हैं यार, पानी बेचने वाले या फिर और भी कोई। ये देखो जहानाबाद। ज़्यादा क्राउड यार नदौल में, और जहानाबाद के बाद हमारी गाड़ी नदौल में रुक रही है। इसके पहले भी रुकी थी शायद, ध्यान नहीं आया। ये देखो भाई नदौल, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है यार, और स्टेशन भी अच्छा खासा है। फ्रेंड्स तरेगना पहुँचने वाले हैं, ये आप सामने देखो। और यहाँ पे क्या है कि मतलब बस्तियाँ बहुत सारी हैं स्टेशन के बगल में। ये देखो भाई तरेगना, और अभी मॉर्निंग का टाइम था ना, तो मतलब ज़्यादा वेंडर्स लोग आपको ट्रेन में नहीं दिखे अभी, बट फिर भी कुछ कुछ तो हैं, तौलिया गमछा कर रहे हैं। तो भाई ये मालगाड़ी को देखो, गुड्स ट्रेन। और ये तरेगना, पुन पुन। सो हमारी ट्रेन अब पहुंच गई पुन पुन। ये देखो भाई कैसे चलती ट्रेन में लोग चढ़ जाते हैं यार, मानना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको ना ज़्यादातर गया पटना वाले रूट में ही देखने को मिलेगा। भाई कौन कौन गया पटना रूट को मिस करते हो? और ये देखो पुनपुन नदी, पुनपुन घाट भी आप कह सकते हो। यहाँ पे भी भीड़ लगती है पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद आप अभी जो आने वाला स्टेशन है वो परसा बाज़ार होगा। भाई ये पुल बनने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये देखो परसा बाज़ार, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पटना जंक्शन, करीब 7 से 8 किलोमीटर है बाई ट्रेन एंड बाई रोड थोड़ा ज़्यादा है। और ये देखो पटना जंक्शन, और हमारी ट्रेन अब स्टेशन परिसर में एंटर करेगी। ये देखो भाई सामने हमारा जंक्शन, और हनुमान मंदिर भी दिखने लग गया। और पटना स्टेशन के आने के बाद तो भाई यही लम्हा का इंतज़ार होता है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जंक्शन पे, और ये देखो सामने हनुमान मंदिर। भाई इसी ट्रेन से हम लोग वापस अभी आए हैं यहाँ, वापस बोल रहा हूँ मतलब आए। ये देखो फ्रेंड्स हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर। भाई निकलने के बाद ये जो खूबसूरती निखर के आती है ना यार, क्या बताऊँ इसके बारे में। ये देखो भाई, और इधर हमारा पटना जंक्शन। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पटना पहुँच गए, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल करना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन। बाय एंड टेक केयर।